आज 3 तारीख बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा करना बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिसमें किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा पॉइंट है, हम देवता बनने वाले हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाबा कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाप आए ही है सुखी करने, तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछारी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है, यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे हैं। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना, यह है दुख धाम। यह भी बहुत सिंपल है, वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं, दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है, अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती है, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है, वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं, मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं, वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है, वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेविन। बाप आए हैं तुमको हेविन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना, तो यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे,
आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई फिर ज्ञान की दरकार नहीं। दुर्गति होती ही नहीं, सत्य को कहा जाता है सदगति। यहाँ है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिबैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाबा कहते, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गिरस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है यह फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी यह वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तुमको अभी सदगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे, वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है, पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहाँ चावल का हंडा बनाते हैं, वह पक जाने से चार भाग हो जाते हैं, सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना, इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे की बात कैसे हो सकती है। वहां यह बातें होती नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाबा समझाते रहते हैं,
आपस में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्यूरिटी अच्छी है ना, प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब छीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। तो यह सब है भक्ति, तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेरी का तो गायन है, हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, यहाँ कितना रोकते हैं। बाबा तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं। अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाबा समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मीठे मीठे बच्चे हजार वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई हमसे छीन ना सके। अभी तो कितने पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। न करे तो छोकरे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वे लोग समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है,
रावण राज्य है ना, बाबा कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, यह है डबल अहिंसक। वह है डबल अहिंसक, देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है, किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयलिटी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाबा कहते हैं, जब ऐसी हालत होती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाए। भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाबा कहते हैं, बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं, जैसा जैसा मिनिस्टर वो ऐसा उनको समझा सकते हैं। युक्ति से समझाना चाहिए, ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाबा समझाते हैं, अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था, तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है, यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरा लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरिया भी तुम हो, ज्ञान की भूभू करो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती है?
अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं, अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है, श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है कैसी भी अवगुण वाली करे संस्कार वाली कम बुद्धि वाली सदा ग्लानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे, कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, इस प्रकार का अहम और बहम छोड़ कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। ओम शांति, ओम शांति। दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मनाले चल तू वहां, चल रे मनाले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं।